बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ईद की शॉपिंग एंड लास्ट थर्ड डे ऑफ रमज़ान इन मक्का, एंड दिस इज़ बाय अब्दुल मलिक फरीद साहब। ओरिजिनल वीडियो का लिंक के डिस्क्रिप्शन में। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। इफ्तार करने को पता है कितना टाइम बाकी है? मैं आपको बताता हूँ, 6:40 हो रहे हैं, तो आई थिंक 50 को होती है, 10 मिनट बाकी है इफ्तार करने को। 10 मिनट में ये वीडियो देख के मुझे इफ्तार करना है, बट उससे पहले इतनी शदीद भूख लगने वाली है ना अभी, ओए होए अलग लेवल। एक तो मुँह सूख रहा है मेरा, वो अलग। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओए होए होए होए, इसकी स्किन जो है ना, कहते हैं कि चिकन की स्किन पुराने जमानों में सिर्फ बादशाह पसंद करते थे। गजा कुबरी के पास आए, इधर रोड है और यहीं पर सफ़े लग गई हैं यार। पूरे साल बाद यार, मुझे ये चाहिए यार। मैं तो कहता हूँ उसी टी शर्ट पर, ठीक है। जिंदगी में पहली बार तोप में घुसने लगे हैं हमारे मोहित साहब। आखिरी अशरा मक्कतुल मुकर्रमा में कैसा होता है, क्या करते हैं, हमारा दिन कैसे गुजरता है और रात कैसे गुजरती है, ये सब कुछ होगा आज के व्लॉग में। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मलिक फरीद और आपको एक और व्लॉग में खुशामदीद। क्या हुआ लड़को, क्या इतने परेशान देख रहे हैं? इतना सन्नाटा क्यों? सन्नाटा आज देर से नहीं कर रहे हैं, इफ्तार भी करनी है और खास तौर पे अभी ईद आ रही है तो शॉपिंग भी करनी है। ओह अल्लाह, लॉर्ड ऑफ ईस्ट एंड द लॉर्ड ऑफ द वेस्ट, ओह अल्लाह या रब्बी या अल्लाह। यार हमारे मुईज़ भाई जो है ना, इन्होंने अरिका खाया है तो ये अरिका के पीछे फिदा हो गए। कहते हैं अरिका खिलाओ दोबारा। अब दूसरे हम कासिम के पास आए हो गए, हम लोग नॉट स्पॉन्सर्ड। मिला ही मुश्किल से, आपके शॉप जो है ना भारी पड़े हुए यार। पीछे रश देखें, लाइनें कैसे लगी हुई हैं। और अभी 20 मिनट रह गए हमारे इफ्तार में और हमारे पास इफ्तार करने के लिए सिर्फ अरीका ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो अंदर रश वो मछली मंडी लगी हुई है। मछली मंडी है ये, क्या था, ये क्या था, क्या बोलते हैं इसको, भूल गया। अब भाई हम लोग इधर एक रेस्टोरेंट पे आ गए, यहाँ पर बैठ के खाएंगे। बन गया हमारा खाना, बन गया। ओए होए होए होए, अच्छा पतले लोग फूडी, मुझे फूडी मिलते हैं, होते हैं लेकिन मुझे फूडी मिलते हैं। एक वो मक्की है, हाँ एक ये वो छोटा चाचू की फूडी है। अच्छा मैं खुश हो रहा था, हमारा ऑर्डर है, वो उनका ऑर्डर था। आज मामू को खिदमत का मौका दिया है हमने, हमने कहा है मामू अजर कमाल है। ये लो भाई हमारे मुईज भाई जो है ना, जिसके से इधर हमारा सोबिया आ गया। स्पेशल हर चीज ही स्पेशल है क्योंकि स्पेशल लोग हैं इधर। स्पेशल फल यार, इफ्तार करें। हमेशा की तरह खजूर फिर से भूल गए। मैं जा रहा हूँ उस जगह से चम्मच मारूं जहाँ से काजू से। क्रीम में लिपटा हुआ है बहुत सारा, देखिए शहद इसमें। वाइट आप बना रहे हैं, पानी मेरे मुंह में आ रहा है। ओए होए ले 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 ले, कॉर्नफ्लेक्स भी डाल दिया। वो आ गया हमारा माल, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। तुम दोनों तो देख सकते हो, तुम खजूर अभी आई जब मैंने इफ्तार कर लिया, तुम लोगों ने नहीं की ना, लो सुन्नत पे अमल कर लो। जब सुबह भी शुरू हो गया, ये मामू ने भाई सुबह दिए मोहब्बत से। इधर भाई हम लोगों ने शबाया चिकन लिए, देखें लाल कैसी हुई है, जबरदस्त माशाल्लाह तबारकअल्लाह। ये देखें, देखिए असल तकल्लुफ जो है ना, ये देख इसकी स्किन जो है ना, कहते हैं कि चिकन की स्किन पुराने जमानों में सिर्फ बादशाह पसंद करते थे, ऐसा मैंने सुना है। आप भी बादशाह फील कर रहे हैं? नहीं, ये मैंने अपने बड़े भाई से सुना है। बिस्मिल्लाह, ये देखें मिक्स चावल है हमारे पास, लाल चावल है, ये लाल चावल है, इनके अंदर देखें किशमिश वगैरह भी डाली हुई है और इधर गाजर वगैरह भी है। यहाँ पर किशमिश सही उन्होंने ऊपर से डाल के दिया और इसके ऊपर भी मसाला डाला हुआ है चिकन के ऊपर, और बड़ी जबरदस्त लाल हुई हुई है और साथ में है ये दग्गूस। ये अलग ही लेवल है इसका, क्रीम चास करवा दिया है, क्रीम और काजू साथ में शहद भी है ना, और कॉर्नफ्लेक्स वो थोड़ा सा क्रंच भी चाहिए यार। ये यार हमारी जो भी वीडियो हो ना उसमें खाना लाजमी आता है शॉपिंग पे जाने से पहले। ये बन गया हमारा जबरदस्त, यहाँ पे समोसे भी हैं, दो तरह के समोसे लिए हैं मैंने। ये पहला चिकन, मामू को भी बहुत पसंद आया समोसा, कहते मजे का है ना। और दूसरा समोसा ये है, ये देखें ये कौन सा है, ये सिंपल चिकन। लाजवाब भैया, कुछ खा लिया और जो बच गया वो साथ उठा लिया
और अब जा रहे हैं नमाज पढ़ने। ये देखें मामू ने शापर भरा हुआ है और इसने एक सही टाइम पे हमें काम आना है। आज वैसे भी ताक रात है, हरम में जाना है ना, जब तरावी और नफल के दरमियान में लगती है भूख, तो इस चीज की इतनी याद आती है इसलिए आज साथ में। ये सिर्फ दो बंदों के लिए। हाँ मामू इससे दस्तकदार होंगे और लेके भाग आपने ये नहीं कहा। ये सिर्फ आपकी तरसी नजर जो है ना वो समझ रही है कि हम दो सिर्फ खा सकते हैं। यार आपने अपना हिस्सा खा लिया है। नहीं मामू, मामू ने अपना हिस्सा खा लिया। अपना फिर ले लो ना। हमें इस तरह ना रोड साइड पे काफी जमातें हो रही होती हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। चलें जी, हमारी गाड़ी इधर हमने पार्क कर दी है, सामान ले लिया जो कि हमें तरावी के बाद काम आएगा और अब सीधे ही जा रहे हैं मस्जिदुल हराम की तरफ। बाकी तकरीबन 40 मिनट रहते होंगे इशा की अजान से। ऐसे आजकल रश बहुत है, जाके देखते हैं कहाँ पर जगह मिलती है आज बैठने के लिए। देखे माशाल्लाह मस्जिदुल हराम के गजा कुबरी के पास आए, इधर रोड है और यहीं पर सफे लग गई है। जा रहे हैं, देखते हैं हमें कौन सी जगह पे जगह मिलेगी। रश इतना ज्यादा हो गया, वहां से था रास्ता बंद, हम लोग वहां से यूं वापस आए और वापस यहां पर रोड पे बैठ रहे हैं, इतना ज्यादा रश है। यहां पे डेरे लगा दिए, देखें ये रोड है, इसी रोड का जब हम लोग किसी को छोड़ने आते हैं ना आम दिनों में, यहाँ से आगे जाके वो उधर आगे यू टर्न करके लोगों को ड्रॉप करके फिर निकल जाते हैं वापस। लेकिन आज हमें जो है इधर इधर बैठने फुटपाथ खुली विदान, थोड़ा सा आगे जगह थी रोड पे लेकिन उधर नहीं बैठे हम लोग, फुटपाथ पे बैठे। एक तो स्पीकर देखें इधर नजदीक है और दूसरा यहाँ पे खुली हवा लग रही है, थोड़ा सा ऊंचे हो गए पूरा सब तो आवाज सही सारे साथ में। देखें अभी तरावी खत्म हो गई है और लोग कैसे चिल मार रहे हैं, हालांकि रोड के बीच में बैठे हैं हम लोग चिल मार रहे हैं। इधर लोगों को देखेंगे तब भाई मस्त मजे से। अब भैया हमारा इरादा है कि वहां पर पुल के पास जाके ना उधर से कोई कॉफी वॉफी लेंगे, कॉफी लेके फिर अंदर इंटर होंगे और जाके अपना अरिका भी खाएंगे, कॉफी भी पियेंगे, नफल भी पड़ेंगे। मामू ये मुझे दे दे आप। ये पहले एक बंदा जा रहा था उम्रा करने, एहराम पहना हुआ था, उसने आके ना अरबी में कहा है कि यार ये मुसल्ला चाहिए। मामू को समझ नहीं है, मामू कहते हैं देखो बंदा आया क्या कहता है, उसने कहा मुसल्ला चाहिए, मैंने कहा हाँ चाहिए इधर दो। फिर मामू कहते हैं वो पहले मेरे से बात कर रहा था, अब लिया तो मैंने है ना, वो ये आपने मेरी चीज पे मेरी प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जा किया हुआ है, समझ आई है ना। देखिए आप दोनों के दरमियान तो फड़का चल रहा है इसलिए मुझे पंजाबी बोलने चाहिए, बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं। अच्छा अच्छी बात पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग लेके आए थे दो मुसल्ले, तीसरा था नहीं, हम तीन आदमी थे। अब दो में से भी एक बुजुर्ग आदमी थे, मैंने उसको ना ये वाला मसला दे दिया अपने वाला, हमने एक पे एडजस्ट किया तो रिवॉर्ड में अल्लाह ताला ने बुजुर्ग ने दुआ दी है, जो भी है अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना, ये तीसरा मुसल्ला जो है कॉफी चाय ग्रीन टी है वही साहब आपके लड़ा अच्छे आपने वही से होना भाई। इधर कुछ ना अलग है और हम जब तक पंगे ना ले हमें आराम नहीं आता। ये तो खुशबू वाली लेकिन असल चीज ये है देखें। हाँ लो पाँव साफ करवा रहे अभी मुईज आते हैं। मुईज यार तुम्हारे जूते गंदे हो रहे हैं, ये तो साफ कर लो। कैसा बुरश ऐसे बालों की तरह लगा हुआ है ना, गुदगुदी होती है। कोई मसला नहीं मामू है यार, माँ का नाम दो बार लो तो एक मामू बनता है। हाँ देखें मामू, मामू भला मुझे ऐसे किसी सख्त जगह पे सजदा करने देंगे। आपको पता है कॉफी के साथ कुछ मीठा होना लाजमी है। अच्छा ये है ग्रैंड मक्का होटल और इसके नीचे यहाँ पर दुकानें हैं जहाँ पर मैं खुद पहली बार गया, मुझे नहीं पता। भैया पकड़े भाई यार, यार जानिमाज गिर जाएगी, समोसा भी इस साइड वाला गिर जाएगा। पकड़ लिया है, कहा तो है पकड़ ना, आप खाने लगे। मामू हमें मामू बनाते कीमा और चीज वाले समोसे थे बड़े मजेदार। थैंक यू यार मामू, आगे हो जाओ आगे हो जाओ। कॉफी के साथ अरीका, देखे ना काजू वाजू सही इस पे ना, बेहतर पढ़ने की ना सही ताकत मिल जाएगी इन काजुओं से। माशाल्लाह सही रश हो गया है, पुराना रश भी जो है ना उससे भी
काफी ज्यादा है। आजकल आखिरी अशरा चल रहा है, इसका आखिरी अशरा मक्का में गुजारने का अपना ही मजा है। अल्हम्दुलिल्लाह नफल पढ़ ली और तरावी तो यहाँ पर पड़ी थी, और फिर नफल पढ़ने के लिए हमें आगे जगह मिल गई किंग अब्दुल्ला गेट के सामने। चलें भाई अभी हम लोग आ गए हैं उतैबिया में, और यहाँ पर हमारे मुईज़ भाई ने लेनी है तोप, दोनों वाली नहीं तोप पहनने वाली। और मामू आपने क्या लेना? मेरी तोप तो आ गई है, स्टड वगैरह लेने। स्टड लेने हैं, मैंने रुमाल लेना है और स्टड लेने हैं और टोपी लेनी है। यार रुमाल इधर भी खड़े है। नहीं ये तो मुझे धोती लग रही है, वो ऊपर रुमाल। यार रुमाल इधर से मैं पकड़ लेता हूँ। मैंने ना वो अमामा बांधना होता है उसके लिए रुमाल चाहिए। हाँ भाई रुमाल चाहिए यार, वो अच्छे वाले अंदर वाले, ये वाला अच्छे वाले। टोपी है आपके पास? तोप इमराती है यार, वो कंदूरा पहनना है, कंदूरा इमराती, वो कॉलर नहीं होता यार उसका, बस ऐसे होती है। चला लगता उसके हाथ पे बना हुआ है। 150 रियाल कह रहे हैं यार, पूरे साल बाद बांध रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ सिर्फ टी शर्ट पर ठीक है। हर साल मुझे ट्यूटोरियल देखने पड़ते हैं कैसे मामा पास। ब्राउन भी है व्हाइट भी है, वो कहते हैं वो सफेद इंक है। यार ये सही है ना? सही है। आगे तो देखे ईद पे देखना भाई कैसा लगता है, अभी नहीं पहन, अभी रिवील नहीं करना चाहते। रिवील चलो यार अभी मुईज़ आपकी तोप, मेरा ये आगे रुमाल, स्टड भी आगे, आपकी तोप, टोपी बाकी खरीदनी है भाई। जो टोपी खरीदनी होती है ना ये वाली हमेशा खरीदो, देखो इसके अंदर ना रबड़ लगी होती है, ये फिर खुली नहीं होती। लेकिन ये मैं पहन के देखूँ, एक बार मैंने टोपी खरीदी थी वो सर पे ऐसी फिक्स हुई थी ना, उतरने का नाम ही देती थी मामू भैया। अजी साहब लग रहा है। ये कितने की है भाई? 10 रियाल। अब ये भी साथ में दो तो मजा आएगा ना। जी मेरी हो गई शॉपिंग। इस तरह की बड़ा कौन पहनते हैं पाकिस्तान में, जो मांगने वाले नहीं होते उन्होंने इस तरह की पहनी होती है, हाथ में कटोरा। इसका साइज चाहिए ये यार, नेवी ब्लू ले लो। चेक करो पहन के देखो। हाँ पहन के देखो, साइज से तो क्लियर हो जाएंगे, पहन के देखो। जिंदगी में पहली बार तोप में घुसने लगे हैं हमारे मुईज़ साहब। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। यार एक नंबर बड़ी हो तो ठीक है। बड़ी हो? हाँ मैं तो छोटी है, थोड़ी सी क्या कह रहे हैं। हाँ चाहिए नेवी ब्लू या फिर व्हाइट? व्हाइट चेक कर लेते हैं, नहीं मिली तो फिर देखते हैं। चलो यार वाइट नहीं मिली तो भी यहाँ से, अब वाइट ढूंढनी है। इधर से मुझे उम्मीद है मिलेगी पक्का। भी भैया वाइट तो 56 साइज मिल गया है हमें, मुईज़ का साइज। इस्त्री करनी पड़ेगी, बाजू खुले हैं वो नहीं है, कफ नहीं है भाई। ये तो भी कैंसल हो गई, इसके बाजू खुले थे, इनको चाहिए कफ वाले। अच्छा जी मार्केट का आपको नहीं बताया, ये उतैबिया मार्केट है और यहाँ से मैं बचपन से शॉपिंग कर रहा हूँ। अभी तक मुछे भी नहीं आई थी तब से। हाँ अभी मुछे भी नहीं आई थी। इधर डिप्स मार रहे हैं बच्चे सारे, जिम कर रहे हैं भैया। हमारी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ी सी चीजें ली हैं, बाकी बाद में लेंगे। हो सकता है मदीना से एन करीब हम लोगों ने मदीना भी जाना है। तभी हो गया भैया हमारा नाश्ते का टाइम। यार स्पेशल पराठे लगा दें आलू वाले, हमारे पास दही आ गई वाले पराठे सर, यहाँ से बुक कर दी। और पराठा देखें यार, देखें आलू वाला पराठा माशाल्लाह, और खस्ता बिस्मिल्लाह। ये भाई हमारे पास चने आ गए, इसके ऊपर करी भी डाली हुई है, असर बात नहीं है। शुक्र है मैंने नहीं देखा भाई, मेरा फेवरेट चने का मजा जो है ना सादे पराठे के साथ आता है। लेकिन थोड़ी सी दही लगा लो, गरम बहुत है। आ जा बहुत गरम है उसका जी। आला लाजवाब बेमिसाल आने के बाद था हमारा रिएक्शन, बहुत जबरदस्त वीडियो था। ईद की शॉपिंग कर ली इन्होंने एंड इमामा, मेरे को इमामा बहुत पसंद, मेरे पास है एक्चुअली। मैं दुबई गया था ना, मैं दुबई से वो लिया था, सर पे बांधा भी था मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में, अच्छा लग रहा था, छोटा था बट वो मुझे भी बड़ा चाहिए यार, बड़ा लेके आएंगे। और उसके साथ साथ अभी मुझे भी ईद की शॉपिंग के लिए कुर्ता वगैरह लेना है, मेरे पास है नहीं अभी तक, तो इंशाल्लाह ताला अभी कल जाएंगे लेके आएंगे। व्लॉग भी आएगा ऑफ कोर्स, अभी मैं भी इनसे व्लॉग सीख रहा हूँ कि मतलब जिस तरह से ये व्लॉग बनाते हैं ना, थोड़ी शर्म आती है बस, है ना। बट इंशाल्लाह थोड़ा सा हम खुलेंगे उस चीज़ में एंड अच्छे से व्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी।